और भाई सुरेश कैसे हो। बस भैया चल रहा है काम। फसल की हालत देख ही रहे हो, तो ये छोटे खेती किसानी वाली समस्या। कभी इस समय पे ट्रैक्टर नहीं आया, सामान नहीं मिल पाया, पैसे का अभाव रहा, सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस यही है। फार्मार्ट आपने फार्मार्ट के बारे में नहीं सुना? फार्मार्ट का है ये? फार्मार्ट, एक संस्था है जो छोटे किसानों के लिए काम करती है अच्छा। और घर बैठे लगभग सारी सुविधाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध करवाती है। जो खेती से जुड़ी हुई चीजें होती है जैसे बीज आपको घर बैठे उपलब्ध करवाएगी, दवाइयां, मशीन, खाद के लिए तो सुरेश तुम्हें पता है फिंगरप्रिंट हाँ, लगते आजकल हैं तो सब और जगह हमें अंगूठा अंगूठा हाँ लगाते जाना हैं। पड़ता है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं कंपनी घर बैठे ही किसान को उपलब्ध करवाती है। और सबसे अच्छी चीज, इन सब चीजों का भुगतान फसल कटने के बाद। अच्छा, तो कहाँ है इनकी दुकान? इनकी कोई दुकान अपनी नहीं होती, ये हम लोगों से ही, किसानों से ही पूछ करके, जो हमारे आसपास का कोई दुकान होता है जो अच्छी चीजें बेचते हैं वहाँ ये कंपनी में जोड़ लेते हैं। और अच्छा जब किसान को कोई चीज चाहिए जैसे दवाई चाहिए या बाकी चीजें चाहिए या खाद चाहिए तो किसान कंपनी को फोन कर देता है, कंपनी उस दुकान से किसान को दवाई दिलवा देती है, खाद दिलवा देती है और उसका भुगतान कंपनी दुकान में कर देती तो है। फिर तो ये तो भैया, अगर इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो रेट भी मार्केट से ज्यादा लेते होंगे या कोई ब्याज व्याज भी लेते होंगे? नहीं, रेट मार्केट से ज्यादा कंपनी नहीं लेती है, अच्छा क्योंकि एक तो कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करती है और दुकानदार को नगद पैसे देती है, इसीलिए दुकानदार हमें बाजार की कीमत पर ही सामान देता है। और ब्याज ये कोई नहीं लगाते हैं। हाँ, सदस्यता शुल्क होती है, वो एक मौसम के लिए एक होती है, लेकिन ब्याज की तरफ बढ़ता नहीं है, वो फिक्स होता है इनका। तो वो सदस्यता शुल्क क्या जब वापस हम पैसा देंगे उसमें एडजस्ट हो जाता है? नहीं, सदस्यता शुल्क अलग से देना होता है, अच्छा हाँ, जो कि आपको पहली सुविधा लेते वक्त देना होता है। जैसे मान लो आपने 5 kg 64 44 मंगवाया, अभी 1400 1500 रुपये का वो सामान आपको पहुंचा रहे हैं, उस समय में ये सदस्यता शुल्क लेंगे। अच्छा तो मतलब ऐसी फ्रॉडिया कंपनी नहीं है कि पैसा लेके भाग जाए कहीं? नहीं, फ्रॉडिया कंपनी तो नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आप मांगेंगे तो कंपनी उन किसानों का फोन नंबर भी आपको दे सकती है जो इस चीज में पहले से काम करवा चुके हैं, और उन गांवों को भी बता सकती है। आप कंपनी के पीछे भी ऐसे भी जा करके, जब मैं जुड़ा था तो मुझे मुझे भी बड़ा शक हो रहा था, तो मैंने कुछ लोगों के नाम मांगे और उन गांवों के नाम मांगे जहां कंपनी ने काम किया था। तो कंपनी वालों ने कहा कि अगर तो उनके किसान पहले से खुश नहीं है, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की हुई है तो जा करके हम पता कर लें। मैं गया, मुझे वहां किसान बहुत खुश लगे, बहुत अच्छी सुविधा थी, उसके बाद मैं जुड़ा। तो ये ऐसे डिटेल मांगने से मिल जाते हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ और काम है कंपनी का? कंपनी का काम जैसे फैजाबाद के इलाके हैं, बड़ा गांव है, फिर खौली जैसे गांव हैं। अच्छा भैया, ये सुविधा तो सब बहुत अच्छी है, पर मान लो कि अगर मेरी फसल खराब हो गई तब कंपनी क्या करती है? एक तो कंपनी आपको फसल बीमा के बारे में जानकारी देती है और अगर आप बीमा करवाना चाहें तो उसमें आपकी मदद करती है। अच्छा दूसरा, अगर आपकी फसल सच में खराब हो गई तो कंपनी निरीक्षण तो करती है आकर के, भैया देखेंगे तो जरूर कि फसल खराब हुई कि नहीं, लेकिन वो आपको फिर थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। आप छोटे छोटे टुकड़े में पैसे दे दो अच्छा अगर या फसल खराब हो गई तो समय थोड़ा और मिल जाता है? समय मिल जाता है। और मान लो भैया, ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो हम मान लो कि बाजार से सामान नहीं खरीद रहे हैं, हमें सिंचाई के लिए देना है या मजदूरों के लिए देना है, तो क्या कुछ नगद भी मिल जाता है? नहीं, कंपनी नगद पैसे तो नहीं देती, अच्छा कंपनी जो भी देती है सुविधा के रूप में ही देती है। अच्छा, ठीक है भैया। तो सुविधा तो बहुत अच्छी है, तो इससे अब जुड़ने के लिए हम क्या करें, क्या क्या कागज जमा करने होंगे हमें? इससे जुड़ने के लिए बस एक पहचान पत्र देना होता है, अच्छा हाँ, और मतलब अपने बारे आधार में, दे सकते हैं या चुनाव का पहचान पत्र, कुछ भी दे सकते हैं? हाँ आधार दे सकते हैं, और उसके बाद अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, अच्छा। और इससे ज्यादा और कोई कोई बड़ी, जमीन के कागजात वगैरह तो नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं रखवाते। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, तो अब हम भी इससे जुड़ेंगे आगे। अरे किसान भाइयों, तो देर किस बात की है, आज ही फार्मार्ट से जुड़ने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर 88 81 910 910 पर कॉल करें, क्योंकि फार्मार्ट ही है किसानों का सच्चा साथी।